हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। इग्नू और इग्नू के अलग अलग रीजनल सेंटर तब से जो नोटिफिकेशन आई है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इग्नू की तब से नया सर्कुलर को रिलीज किया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इग्नू के जितने भी ऑफिशियल स्कूल रीजनल सेंटर एंड रीजनल इवेल्युएशन सेंटर है पहले से ही बंद है और अब उसके डेट को एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। यानी अब इग्नू के सारे रीजनल सेंटर या रीजनल इवेल्युएशन सेंटर है 31 मई तक बंद रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग दरभंगा रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। दरभंगा रीजनल सेंटर ने स्टेटस ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट फॉर टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2021 का एक लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हो कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया था वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, इस लिस्ट में उसी स्टूडेंट का नाम होगा जो 23 मई या उससे पहले अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। अगर आपने 23 मई या इससे पहले असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे लेकिन आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग रघुनाथ रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। रघुनाथ रीजनल सेंटर ने भी स्टेटस ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट का एक लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में भी जो भी रघुनाथ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है अपना नाम चेक कर सकते हो, आपका जो असाइनमेंट है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस लिस्ट में 25 मई तक अपडेट किया गया है। फिर भी किसी स्टूडेंट का अगर नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हो। इससे पहले कोलकाता रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन का दो लिस्ट को जारी किया है, वैसे ही अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने एक लिस्ट को जारी किया है और अब दरभंगा और रघुनाथगंज रीजनल सेंटर ने एक लिस्ट को जारी किया है। तो जो भी स्टूडेंट इन रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो आप अपना असाइनमेंट सबमिशन लिस्ट में नाम चेक कर सकते हो। दरभंगा रीजनल सेंटर ने दो और नोटिफिकेशन को जारी किया है। सबसे पहले दरभंगा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्योरीज के लिए अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करा दिया है। आपको अगर कोई भी क्योरीज है उसके बिहाफ पे जो यहाँ पे नंबर गिवन है उसी नंबर पे आप कॉल करके अपने क्योरीज को सॉल्व कर सकते हो। इन केस अगर आपको आपके क्योरीज के हिसाब से आंसर नहीं मिलता है तो फिर आप जो रीजनल डायरेक्टर है उनका भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इनको भी कॉल कर सकते हो, या फिर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर का भी नंबर दिया गया है, इनको भी आप कॉल करके अपने क्योरीज को सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप इनसे पूछ सकते हो। लेकिन बस याद रखना है कि आपके क्योरीज के हिसाब से ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उसी को आपको कॉल करना है। और जो दूसरा आपका दरभंगा रीजनल सेंटर का ही है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अलग अलग स्टडी सेंटर कोड का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और यहाँ पे उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। आप अपने स्टडी सेंटर कोड के हिसाब से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। और याद रखना है ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो जनवरी 2021 वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। अगला नोटिफिकेशन पटना रीजनल सेंटर के तब से है। अगर आप MLIS या फिर BLIS प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपका एडमिशन जनवरी सेशन 2021 में हुआ है तो आपके लिए इंडक्शन मीटिंग रखा गया है। इंडक्शन मीटिंग 27 मई को शाम के 4 बजे स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। इस लिंक के थ्रू 27 मई 4 बजे से पहले ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी कारणवश इस इंडक्शन मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो इसके जो रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब चैनल इग्नू RC पटना पे अपलोड कर दिया जाएगा, इसका भी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। आप इस लिंक के थ्रू भी इंडक्शन मीटिंग का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देख सकते हो। और साथ ही साथ MLIS और BLIS का जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो PDF फॉर्मेट में है उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। जैसे कि मास्टर डिग्री के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, वैसे ही बैचलर डिग्री के लिए भी यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया गया। आप अपने डिग्री के हिसाब से लिंक को क्लिक करके जो PDF फॉर्मेट में आपको बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का जो गाइडलाइंस अलग अलग रीजनल सेंटर ने जारी किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वटाकरा रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। वटाकरा रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दिया है। अब अपने स्टडी सेंटर कोड के बिहाफ पे जो यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड कराया है उसी ईमेल आईडी पे आप अपना असाइनमेंट को भेज सकते हो। यहाँ पे आप स्टडी सेंटर नेम दिया गया है और साथ ही साथ स्टडी सेंटर कोड दिया गया है और उसके साथ ही ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दिया गया है। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। वैसे ही गुवाहाटी रीजनल सेंटर ने भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए एक ईमेल आईडी बना दिया है जो कि आपका है rcguwahati@ignu.ac.in। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपना असाइनमेंट भेजना है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग मेल करना है। और जो नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि आपका जो फ्रंट पेज होगा उसमें सबसे पहले आप अपना लर्नर
स्टडी सेंटर कोड लिखोगे, उसके बाद प्रोग्राम का नाम, फिर अपना नाम, और उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, और उसके बाद को कोर्स कोड लिखना होगा अपने फ्रंट पेज पे, और फिर अपने एंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो यहाँ पर ईमेल आईडी दे दिया गया है उसको सेंड कर देना है। लेकिन आपका जो पीडीएफ का नाम होना चाहिए उसमें सबसे पहले आप अपना कोर्स कोड लिखोगे, उसके बाद डैश, उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख लो, सबसे पहले आपका कोर्स कोड है, उसके बाद डैश है, उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर है, और उसके बाद मेल आईडी पे सेंड कर देना है। नेक्स्ट हम लोग जोरहाट रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं। जोरहाट रीजनल सेंटर ने भी एक आपका ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दिया है। इस ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। आपका ईमेल आईडी है assignment@jorhat.ignu.ac.in। मेल आईडी पे अपना असाइनमेंट को भेज सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो फ्रंट पेज होगा उसमें आप सबसे पहले लर्नर स्टडी सेंटर कोड लिखोगे, प्रोग्राम का नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, नेम लिखना है, और आपका कोर्स कोड लिखना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो यहाँ पे मेल आईडी गिवन है इस मेल आईडी पे आपको भेज देना है। और याद रखना है अभी तक के लिए जो आपका लास्ट डेट है वो 31 मई है, लेकिन जो आपका लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगला नोटिफिकेशन जोधपुर रीजनल सेंटर का सबसे है। जोधपुर रीजनल सेंटर ने अलग अलग स्टडी सेंटर का यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो आपका स्टडी सेंटर कोड है उसके हिसाब से यहाँ पे मोबाइल नंबर है। आप अपने स्टडी सेंटर कोड के हिसाब से ही जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसी से आपको संपर्क करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग HM क्लास। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट ऑन माई यूट्यूब चैनल।